हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट कल इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, बाकी के फर्स्ट का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इसका भी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं सेकंड का थर्ड पार्ट और करा देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, बाकी के आप होमवर्क में कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये कर लेंगे, आज ये एक्सरसाइज हम फिनिश कर लेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉलीनोमियल को आई हैव रिटन एज जीएक्स एक्स क्यू माइनस 3x+1 एंड सेकंड पॉलीनोमियल इज रिटन एज px x टू द पावर 5 माइनस 4x³ + x² + 3x+1। ओके, नाउ सेकंड पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय फर्स्ट पॉलीनोमियल, तो एक्स क्यू डिवाइड्स x टू द पावर 5। तो यहां पर हमें फर्स्ट हम क्या लेना है, हम इस तरीके से देख सकते हैं x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। ओके, आप इससे डिवाइड करोगे तो x की पावर 2, डिवाइड में पावर कम हो जाती है। ओके, माइनस हो जाती है, तो 5 - 3 = 2 बचेगा। तो यहां पर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यू में भी होगा, 3x में भी होगा, 1 में भी होगा। तो x² × x³ दैट इज x^5। नाउ x² × 3x - 3x तो दैट इज 3 - 3x³। ओके, x² × 1 दैट इज +x². ओके, सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले पॉलीनोमियल के, तो माइनस सभी टर्म के साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए 1, 1 नोट नहीं करते, तो -x^3। दिस इज माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हुए, +3x + 1। ओके, नाउ एक्स क्यू का डिवाइड अब -x³ में देंगे तो -1 टाइम। ओके, 1 का मल्टीप्लाई एक्स क्यू के साथ, -x³ - 1 × this दैट इज +3x। ओके, एंड दिस इज 1 × 1 - 1। ओके, बिकॉज साइन माइनस है इसलिए साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हुए, ये भी कैंसिल आउट हुए, ++1 + 1 = 2। दिस इज रिमाइंडर, हियर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, देयरफॉर फर्स्ट पॉलीनोमियल, सेकंड पॉलीनोमियल, फर्स्ट पॉलीनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ, देयरफॉर फर्स्ट पॉलीनोमियल या फर्स्ट पॉलीनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल। ओके, सेकेंड पॉलीनोमियल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी के पार्ट्स यू हैव टू डू इन होमवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लें और इसकी कई बार प्रैक्टिस करें। जनरली आप बोर्ड के पेपर देखोगे तो उसमें आपको हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, दिस इज पॉलीनोमियल एंड देयर आर 2 जीरोज। लुक हियर, 3x^4 मींस डिग्री कितनी है, 4 है, इट मींस देयर आर 4 जीरोज बट 2 जीरोज आर गिवन। ओके, तो लुक क्वेश्चन नंबर 3। ओके, पीएक्स पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x
माइनस फाइव. ओके, टू जीरोज आर, टू जीरोज आर रूट फाइव अपॉन थ्री एंड माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री. ओके, दीज आर टू जीरोज. तो वी हैव गिवन टू जीरोज, तो टू जीरोज से हम फैक्टर बना लेंगे. ओके, फैक्टर कैसे बनाएंगे? जैसे आपने देखा होगा कि जब फैक्टर आता है तो हम उसे जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल आती है. सेम इसी तरीके से ये टू जीरोज हैं, तो यहां देयर फोर एक्स माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, ये इसका फैक्टर बन गया इस जीरो से. और इस जीरो से क्या फैक्टर बन जाएगा? एंड एक्स प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री. ओके, टू फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स. ओके, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? x माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री का होल स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री. ओके, जब हमने इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हुआ है. ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री का डिवाइड हम इसमें कर देंगे. ओके, कैसे करेंगे देखिए. ओके, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री डिवाइड थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव. ओके, लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर डिवाइड थ्री एक्स टू द पावर फोर, तो आप इसमें डिवाइड करोगे तो यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, मैं यहां की वजह यहां नोट कर लेता हूं, थ्री एक्स टू द पावर टू. ओके, आप इसमें डिवाइड करके देखोगे ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा. तो थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये थ्री एक्स टू द पावर फोर. ओके, थ्री का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो आप इस तरीके से देख लें कि फाइव अपॉन थ्री इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हुआ तो फाइव एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहां पे क्या बचेगा? फाइव एक्स स्क्वायर. ओके, और माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर. ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हुए, सिक्स एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस, तो फाइव में से टू गए थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव. ओके, नाउ सिक्स एक्स क्यू में जब एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहां? प्लस सिक्स एक्स. ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स एक्स क्यू, इधर इसमें थ्री टू जा सिक्स और टू फाइव जा टेन, आप ऐसे देख सकते हो कि फाइव अपॉन थ्री इंटू सिक्स एक्स, तो थ्री से टू टाइम कैंसिल आउट हुआ, टू फाइव जा टेन एक्स. ओके, तो यहां क्या आना है? टेन एक्स आना है. ओके, माइनस टेन एक्स माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस फाइव. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का डिवाइड इसके साथ करोगे तो प्लस थ्री, इट मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हुआ माइनस फाइव. ओके, साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर जीरो. ओके, तो वी हैव ऑब्टेन एज कोसेंट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री. ओके, अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे. ओके, किस तरीके से फैक्टर करेंगे? थ्री थ्री या नाइन, नाइन के ऐसे फैक्टर के प्लस करके सिक्स आए, तो इट इज रिटन एज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री. ओके, नाउ थ्री एक्स टेकन एज कॉमन, देन
x plus 1 and here 3 taken as common x plus 1. So x plus 1 and 3x plus 3, these are two factors. Okay, for zero, zeros के लिए मैंने zero के equal रख देंगे, तो x plus 1 equal to 0 and 3x plus 3 equal to 0, zero निकालने के लिए. तो यहां से x की value minus 1 और यहां से भी x की value क्या आएगी, 3 उधर जाएगा minus 3 और इस 3 का divide हो जाएगा 3, तो ये भी minus 1. Okay, तो all the zeros means all the zeros are, hence all the zeros are, two zeros तो already हमारे पास थे, क्या क्या, root 5 upon 3 minus root 5 upon 3, okay, minus 1 this one, okay, and this minus 1 and minus 1, 1, 2, 3, 4, okay, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, okay. Next, question number 5 and 6, next video mein.